भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद पर केस दर्ज। बड़ी खबर आपको बता दें, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने पर हुआ केस दर्ज। सपा के राष्ट्रीय महासचिव पर केस दर्ज किया गया, हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री ने दर्ज कराई एफआईआर। रायबरेली के सदर कोतवाली में केस हुआ दर्ज। सपा के राष्ट्रीय महासचिव पर केस दर्ज किया गया, मारुति त्रिपाठी ने दर्ज कराई एफआईआर। कदागंज में कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण समारोह में दिया था विवादित बयान। लखनऊ में 14 अप्रैल से सपा की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी प्रयागराज से शुरू कर रही है ये यात्रा। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला। दुरुपयोग के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस समेत कुल 14 राजनीतिक दलों ने दायर की याचिका। केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का है आरोप। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी आज सुनवाई। कानपुर में युवक ने नाबालिग छात्रा के साथ की छेड़छाड़। छात्रा की मां ने मनचले युवक की चप्पल से कर दी पिटाई, खबर कानपुर से है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो हुआ वायरल, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। कानपुर में जिम के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई मारपीट। दबंग जिम संचालक और उसके साथियों ने की मारपीट। मारपीट में एक महिला हुई घायल। पुलिस हिरासत में जिम संचालक और उसका एक साथी, खबर कानपुर से है। बर्रा के विश्व बैंक बी ब्लॉक का ये पूरा मामला है। जिम के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर मारपीट, खबर कानपुर से है। दबंग जिम संचालक और उसके साथियों ने की है मारपीट। यूपी सरकार के मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हुए कोरोना पॉजिटिव। कई दिन से कृषि मंत्री की तबीयत थी खराब। जांच के बाद संक्रमण का चला पता। यूपी सरकार के मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव। कृषि मंत्री कोरोना पॉजिटिव। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हुए कोरोना पॉजिटिव। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, कृषि मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? कभी अभी उनकी तबीयत कैसी है? नंदनी, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है, अगर कल की बात देखें तो कुल 15 जो है वो कोविड पॉजिटिव मरीज जो है जनपद में मिले हैं और सर्वाधिक 6 मरीज जो है अलीगढ़ सेक्टर से मिले हैं। तो लगातार कोरोना का ग्राफ जो है राजधानी लखनऊ से यूपी में बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से कुछ 56 जिलों में कोविड संक्रमण की दर जो है बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के किसी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। बीते 2-3 दिन से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, इसके बाद उनकी जांच कराई गई है। जांच में जो है कोविड संक्रमण का पता चला था। फिलहाल उनकी तबीयत जो है, उनके स्वास्थ्य में सुधार है और समस्या की कोई अभी गंभीर बात नहीं है। जी विवेक, आगे बने रहिएगा हमारे साथ, जानकारी के लिए धन्यवाद। लखनऊ में निषाद पार्टी ने किया पार्टी का विस्तार। कुल 71 पदाधिकारियों की हुई नियुक्ति। खबर लखनऊ से है, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की सहमति के बाद हुई नियुक्ति। निषाद पार्टी ने पार्टी का किया विस्तार। कुल 71 पदाधिकारियों की हुई नियुक्ति।
निषाद पार्टी की तरफ से पार्टी का विस्तार किया गया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की सहमति के बाद हुई नियुक्ति। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, निषाद पार्टी ने अपनी पार्टी का विस्तार किया है, 71 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए नंदिनी, निषाद पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की सहमति के साथ अपनी पार्टी का विस्तार किया है और कई लोगों को पार्टी में कार्यभार संभाल, जिसमें कई प्रदेश सचिव सहित प्रदेश महामंत्री और तमाम जिलों में जैसे सुल्तानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, कई लोगों को जो है वो जोड़ा है अपनी पार्टी में और अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। आगामी निकाय चुनाव से पहले जो है निषाद पार्टी लगातार जो है अपनी कैंपेनिंग भी कर रही है और संजय निषाद लगातार अलग अलग जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, मछुआरा समाज में अपनी बात जो है वो बड़े पुख्ता तरीके से रख भी रहे हैं। तो कुल 71 पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की सहमति के बाद ये नियुक्ति हुई है। निषाद पार्टी अपने पार्टी के विस्तार की तरफ भी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए सबकी नियुक्तियां कर रहे हैं, जिसमें तमाम प्रदेश सचिव के साथ प्रदेश महामंत्री भी शामिल है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। गोमती नदी में डूबे बच्चे का मामला सामने आया है। 20 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ बरामद शव उसका। प्रशासन की देरी को लेकर परिवार में दिखी नाराजगी। गोमती किनारे बनी रेलिंग टूटी होने के कारण ये हादसा हुआ है। बीते दिनों हुए हादसे को लेकर भी नहीं जागा प्रशासन और एलडीए। हर्षदगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मण मेला मैदान का ये पूरा मामला है। गोमती नदी में डूबे बच्चे का मामला सामने आया है। 20 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बरामद नहीं हुआ शव। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद, अभी तक बच्चे का शव बरामद नहीं किया गया है। देखिए नंदनी जी, अगर इसमें हम बात करेंगे तो जिस तरीके से परिवार का जो आरोप है, आरोप ये है कि जब बच्चा गिरा था उसमें तो प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन वो देरी से पहुंची, जिसके कारण उसका जो बच्चा था परिवार का वो अभी तक नहीं मिल पाया। क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है, तो इसमें अगर बड़ी लापरवाही की अगर हम बात करें तो जो लापरवाही है वो ज्यादा एलडीए की जाती है। क्योंकि इससे पहले जब हम बात करें 21 दिसंबर की, 21 दिसंबर को भी एक हादसा हुआ था, रेलिंग टूटी थी, रेलिंग उस जगह नहीं थी, उसके कारण एक कार भी गोमती में समाई थी। लेकिन उसके बाद बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद एक ये बड़ा हादसा एक बार फिर देखा गया। और ये जो मासूम है, जो मासूम गिरा, ये भी एक टूटी रेलिंग थी जहां पर से वो खेलता हुआ गोमती में जा गिरा। इस दौरान जब वहां पर लोगों ने शोर शराबा मचाया तब जाके जानकारी हुई, क्योंकि ये बच्चा जब डूबा था माँ सामने थी, लेकिन माँ उसको बचा नहीं सकी, प्रशासन की मदद मांगती रही, लेकिन प्रशासन कोई आया नहीं। जब देरी से पहुंची तो वहां पर लगातार रात को भी पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, नहीं मिला। फिर सुबह भी चलाया गया, लेकिन कोई भी उस बच्चे का सुराग नहीं लग पाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार है वो भी वहां तक पहुंचे नहीं, ना हालचाल लिया, क्योंकि रात को एडीएम ने पहुंच गए, केवल खाना पूर्ति की, परिवार से बातचीत की और उसके बाद चले गए। सुबह भी कोई हालचाल नहीं लिया, जिसको लेकर परिजनों में भी काफी आक्रोश है, वो भी धरने पर बैठ गए कि आखिर जो लापरवाहियां क्यों हो रही। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे प्रशासन के, कि जिस तरीके से गोमती के आसपास जो रेलिंग है उनको कंप्लीट कराया जाएगा, कोई हादसा ना हो, लेकिन ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन अपनी आंखें लगातार मूंदे हुए है, लेकिन जिम्मेदार भी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। केवल उनका ये कहना है कि इसको ठीक करा दिया जाएगा, लेकिन कब ठीक होगा कोई इसका पूरा वादा भी नहीं, लेकिन केवल खाना पूर्ति की जा रही है यहाँ पर। श्री मोहम्मद, प्रशासन की देखिए बड़ी लापरवाही है, वहीं परिवार की जो नाराजगी है वो जायज है, क्योंकि उन्होंने अपनी मासूम बच्चे को खोया है। देखिए बात तो सही है, क्योंकि बच्चे को जिस तरीके से खोया गया है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब पुलिस के पास बाकायदा गोताखोर है, एसडीआरएफ की टीम है, प्राइवेट गोताखोर है, लेकिन बच्चे का शव जहाँ पर डूबा गया था वहां पर लगातार 20 घंटे से अधिक समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके शव को बरामद नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही भी है, या तो यूं कह सकते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है।
क्योंकि परिवार भी वहां पर तलाश कर रहे हैं, प्राइवेट गोताखोर भी लगे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम जो कही जाती है कि गोमती में अगर कहीं शव गया है तो उसको निकालने में वो सक्षम होती है, वो उसको समय से निकाल लेती है, लेकिन वो भी अभी इसमें फेल है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही साफ जाहिर हो रही है इसमें। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक के मुंशी राकेश लाला की निशानदेही पर बड़ी कामयाबी। आईफोन, एक रजिस्टर और दो आधार कार्ड हुआ है बरामद। अतीक के कसारी मसारी स्थित घर से बरामदगी। तुमनगंज पुलिस ने 5 आरोपियों को लिया था रिमांड पर। राकेश लाला समेत 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया था। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बरामद आईफोन से हत्याकांड से जुड़ी कई जानकारी मिली। बरामद आईफोन को जांच के लिए भेजा जाएगा फॉरेंसिक लैब। रजिस्टर में करोड़ों के लेनदेन का भी जिक्र है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। रजिस्टर में अतीक के कई पुराने सहयोगियों के भी नाम शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल जुड़ेंगे। पवन, उमेश पाल हत्याकांड से देखिए जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एक रजिस्टर मिला है, उसमें देखिए जो हत्यारे हैं उनके नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कई करोड़ों का लेनदेन भी हुआ है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल नंदनी, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी है। बीते दिनों पहले उमेश पाल हत्याकांड में जुड़े शामिल शूटरों के जो तो उनके मददगार थे, उनके जो करीबी थे, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। तो पुलिस द्वारा उनको रिमांड पे लिया गया है और बताया गया कि आतिक अहमद के मुंशी राकेश लाला भी उस 5 अभियुक्तों में से एक था, जिसको गिरफ्तार कर पुलिस टीम द्वारा रिमांड पे लेने के बाद कड़ाई से पूछताछ की गई है। हालांकि ये बातें सामने आ रही है कि अतीक के जो मुंशी है राकेश लाला, उसके पास से एक आईफोन रजिस्टर और 2 आधार कार्ड बरामद हुए हैं और इस रजिस्टर में करोड़ों रुपए के लेनदेन का भी जिक्र है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पे बातें सामने नहीं आई हैं, ना ही अधिकारियों ने इस पर किसी तरीके का बयान दिया है, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस के हाथ में बड़े अहम सुराग लगे और पुलिस की टीमें लगातार अन्य आरोपियों को भी तलाश कर रही है और ये जो 5 आरोपी रिमांड पर लिए गए हैं, पुलिस इनसे और भी कड़ाई से पूछताछ करेगी और तमाम ऐसी बातें सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है जो उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस के लिए अच्छा सबूत साबित होगी। जी नंदिनी, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। लखनऊ में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और रोडवेज में छिड़ा विवाद। इलेक्ट्रिक बसों से सफर करना यात्रियों को पसंद। यात्रियों को कम किराए में मिल रहा है नैमिष, गंगागंज और बाराबंकी तक का सफर। एसी इलेक्ट्रिक बस से रोडवेज बसों को चपत लगा रही है, परिवहन विभाग ने कहा। कानपुर में नगर निगम के ट्रक में लगी भीषण आग। खबर कानपुर से है। यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कानपुर से है जहां नगर निगम के ट्रक में भीषण आग लगी। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।